हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग बेसिक से सिखाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छे से बताएंगे जोड़, घटाना, गुणा, भाग। आपको 100% समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसे लिखा है चार, ठीक है, ऊपर लिखा है चार, तो हम पहले चार यहाँ पे टिक मारेंगे। 1 2 3 4 चार लिखा है। उसके बाद कितना है, आठ। अब आठ को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको पूरा टोटल गिन लेंगे। गिनने के बाद जो आएगा वहाँ पे लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो हमारा आ रहा 12। तो 10 से जब ऊपर संख्या ज़्यादा होती है तो यहाँ पे जिसे आ रहा है 12, तो इसका इस साइड का लिखा जाता है, इसको हम हासिल में ले लेते हैं, ठीक है। तो एक हासिल हो गया। अब इसको जोड़ते हैं। ऊपर कितना लिखा है, 2, तो 1 2 टिक लगाएंगे। यहाँ पे कितना लिखा है, 6, तो 6 टिक लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब पूरे को जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी दोनों हमारा कितना आ रहा है, 8। एक हासिल भी था ना इसका, तो उसको मिला कितना हो जाएगा, 9। ये जोड़ने का तरीका हो गया, ठीक है। तो अब आपको हम घटाना बताते हैं, घटाते कैसे हैं। ऊपर कितना लिखा है, 8, तो पहले हम 8 टिक लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब कितना लिखा है नीचे, ऊपर जितना लिखा उसको लिखे ना, नीचे कितना लिखा, 3, तो 3 को काट देना। 1 2 3, 3 को काटने के बाद अब कितना बचा उसको लिखना है। 1 2 3 4 5, कितना बचा है, 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। ऐसे घटाते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। इसमें जैसे ऊपर कितना लिखा है, 6, ऊपर वाले से नीचे में घटाना, नीचे से ऊपर में नहीं घटाना, ठीक है। ऊपर वाली संख्या में नीचे को घटाना होता है। ऊपर कितना लिखा है, 6, 1 2 3 4 5 6, नीचे कितना लिखा है, 3, तो 3 को काट देंगे। 1 2 3, अब कितना बचा, 1 2 3, जो काटे हैं उसको छोड़ देंगे, बाकी को लिख देंगे। यहाँ पे कितना बचा, 3। ये अपन घटाने का तरीका होगा, ऐसे ही घटाते हैं, ठीक है। अब गुणा, गुणा कैसे करते हैं देख सकते हैं। ये 5 का गुणा 3 में करना है, तो 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, यहाँ पर लिख देंगे 15। हासिल कितना, 1 बचा। अब इसका 5 गुणा 5 में करेंगे, 5 गुणा 5 में करो, 5 25, और एक हासिल हो गया 26। हासिल अब कितना बचा, 2। अब 5 गुणा इसमें करेंगे 2 में, 5 दूनी 10, और हासिल वाला 2 कितना हो गया, 12। ये गुणा हो गया। गुणा करने का तरीका यही होता है। ये एक का है, अगर दो संख्याओं को वो भी हो जाएगा वो भी बताते हैं आपको। भाग, भाग कैसे करते हैं, तो पहले एक संख्या में करते हैं। देखते हैं ये 3 से क्या है, छोटी संख्या, तो दो संख्या को लेंगे, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे 6 होता तो एक एक संख्या में भाग देते। जब 3 से छोटी संख्या है तो दो संख्या को सिलेक्ट करते हैं। अब 3 का भाग 22 में, ऐसा करो कि 22 से आगे ना जाए, तो 3 3 27, ओ 3 7 21 होता है, ठीक है, 21 होता है। यहाँ पे लिख देंगे 21, ठीक है। यहाँ पे ये चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद घटा देंगे। तो ये जितने बार भाग गए यहाँ पे साइड में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आया है 7, 3 7 21, अब कितना बच रहा है, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। अब तो ये 3 का भाग इसमें तो जाएगा नहीं, अभी हमारे पास संख्या है, तो 3 को यहाँ पे उतार लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब 3 को इसमें देंगे भाग, तो क्या होगा, 3 चौको 12, 4 बार जाएगा और ये यहाँ पे आएगा 12। यहाँ पे कितना रहा है, 1। अब है यहाँ पे हमारे पास कोई संख्या भी नहीं बची और इस 1 में इसमें भाग भी नहीं जाएगा, तो ये पॉइंट में आता रहेगा, ठीक है। तो ये ख़त्म नहीं होगा क्योंकि संख्या ऊपर है नहीं इसलिए, ठीक है। भाग करने का तरीका ये है, और मैं भी भाग बताता हूँ। जैसे 5 का भाग करना है हमें 25 में, ठीक है, तो
पाँच का भाग करना है, पाँच को ये दो दो क्या है, छोटी संख्या है, जब छोटी संख्या में भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद पाँचम 25 पाँच बार में कट गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये हो जाता है भाग करने का तरीका। ठीक, ये गुणा बता दिया मैंने, घटाना और जोड़ ऐसे ही सब बताते हैं, मतलब ऐसे ही कर किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।